नमस्कार, देश विदेश को स्वागत करुछु मधुरे। प्रथमे हेडलाइंस, सांसदों पर खुशी खबर, निज अंचल विकास पुणि सांसद मानक दिजिव हाथ पाठी। आसंता 2025-26 आर्थिक वर्ष जाए चल सांसद पाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक निष्पत्ति। नवीन जगन आलोचना दिनक परे कोरापुट रे सर्वदलीय बैठक, सीमा सुरक्षा मुख्य प्रसंग, एपटे कोलाकोली सेपटे पिठीपटु छुरी, कोटियारे पुणी आंध्रर ग्रामसभा, कौन बार्ता देवाक चाहूछ आंध्र, कोटियारे ओडिशार जमी उपरे आंध्रर कब्जा उद्यम जारी। डीजीपी अभयंकु अवसर अनुमति, पुलिस महानिर्देशक अभयंकु अवसर अनुमति, गृह विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश, नुआ वर्षरे नुआ पुलिस डीजी पाइबो ओडिशा। देशरे बढ़ुछि विमान यात्रीक संख्या, गत वर्ष तुलनारे चलित वर्ष उत्सव ऋतुरे बदलिछि स्थिति, यात्री संख्यारे 67% वृद्धि। महामारी जनित मांदावस्था सत्वे सुधुरुछि बेसामरिक विमान सेवा क्षेत्र। एनएसए बैठक में सामिल हेलेनी चीन, पाकिस्तान सामना को आसिला सेमानंक गुप्त एजेंडा। उपमहादेश अंचल में अस्थिरता सृष्टि चक्रांत, भारतर शांति प्रयास को भंडूर करिपार वृथा उद्यम। देशरे झोट चाष को मिलिबो प्रोत्साहन, झोट उत्पाद द्वारा पैकेजिंग पाई मिलिछि केन्द्र क्याबिनेट्र अनुमोदन, झोट मिल गुड़ी को प्रोत्साहन दिजार व्यवस्था, केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर को सूचना। आसिया संपूर्ण खबर को, सांसदों पर खुशी खबर, पुणि फेर सांसद पाठ व्यवस्था एवं यह आगक जारी रही। आज केन्द्र कैबिनेट रे निष्पत्ति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बा एमपीएलडीएस व्यवस्थार पुनः प्रचलन नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रे प्रकाश करिछन्ते केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति अनुसार 2021-22 आर्थिक वर्ष पुणी आरंभ हेब यह व्यवस्था, जहां आसंता 2025-26 आर्थिक वर्ष जाए चल। खूब शीघ्र यह स्कीम अधीन दि जाऊथिबा अर्थ सांसद मानंकु प्रदान करा जिवो बोली प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। सांसदों से जुड़ा हुआ है क्योंकि कोविड-19 के समय एक निर्णय किया गया था कि दो वर्ष के लिए 20-21 और 21-22 तक जहां तक एमपी लैड की स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया था कि उसके पैसे का उपयोग जो है धन का उपयोग कोविड की लड़ाई के लिए किया जाएगा, और सभी सांसदों ने आगे बढ़ चढ़कर कोविड की इस लड़ाई के प्रति अपना योगदान देने के लिए सहमति भी व्यक्त की थी। और आज मुझे आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपये की किश्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है, लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपये की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, 2 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी मेड अवेलेबल एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे विल गेट द फुल 5 करोड़ रुपी इंस्टॉलमेंट, 5 करोड़ रुपी एनुअली। इसके ऊपर 2021-22 में 1,584 करोड़ रुपये का व्यय होगा और 2022-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च होंगे। इस प्रकार कुल
17,417 करोड़ रुपये का व्यय एमपी लैड पर खर्च होगा और ये सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अफगानिस्तान रे शांति फेराई आणिबा ओ स्थिरता सृष्टि करिबा पई भारत तरफ रु दिल्ली रे प्रथम थर पई अंतर्जातीय स्तर रे जातीय सुरक्षा सम्मेलन रो आयोजन करा जायतिला जेउथिरे भारत समेत आठटी देशर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए शामिल होइथिले। भारतर एनएसए अजित डोभाल अफगानिस्तान उपरे जातीय सुरक्षा परामर्शदाता सम्मेलन रो अध्यक्षता करथिले। तबे बैठक रे शामिल होइ नथिबा चीन एवं पाकिस्तान जाकरि प्रश्न उठिछि। एनएसए बैठक में शामिल हेलेनी चीन पाकिस्तान सामनाकु आसिला सेमानक गुप्त एजेंडा उपमहादेश अंचल रे अस्थिरता सृष्टि रो चक्रांत भारतर शांति प्रयास को भंडूर करिवार वृथा उद्यम अफगानिस्तान रे शांति फेराय आनिबा ओ स्थिरता सृष्टि करिबा दिगरे भारत तरफरु प्रथम थर पई अंतर्जातीय स्तर रे जातीय सुरक्षा सम्मेलन रो आयोजन करा जायतिला जेउतिरे भारत समेत आठटी देशर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता शामिल होइथिले। भारतर एनएसए अजित डोभाल जातीय सुरक्षा परामर्शदाता स्तरीय आंचलिक सम्मेलनर अध्यक्षता करथिले। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू एक्सटेंड ए वेरी वार्म वेलकम टू यू फॉर द दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग on Afghanistan. It's a good opportunity to discuss important regional security issues, especially concerning Afghanistan, and to exchange our vision of the current situation and areas of mutual cooperation. तबे एही बैठक रे पाकिस्तान एवं चीन अनुपस्थित रहिचंती। पाकिस्तान अफगानिस्तान को नै आलोचना पई भारतर निमंत्रण को प्रत्याख्यान करबा नै प्रश्न उठिछि। भारत रे एही बैठक रा आयोजन पई विशेष भाबरे ईरान और रूस तरफरु भारत को संपूर्ण सहयोग करा जायतिबा बेले चीन और पाकिस्तान ए बैठक रे जोग देबे नाही बोली पूर्वर संदेह करा जाउतिला जहां सतरे परिणत होईछि। तालिबान अफगानिस्तान रे शासन क्षमता को आसीबा परे चीन और पाकिस्तान तरफरु तालिबान को हाथ करी निजर स्वार्थ साधन करबा को चेष्टा करि आसुचंती चीन और पाकिस्तान। विशेष भाबरे अफगानिस्तान रे आतंकवादी कार्यकलाप को वृद्धि कराइबा विशृंखला सृष्टि करी भारत अन्य मध्य एशिय देश रे असुरक्षित परिस्थिति सृष्टि करबा को षड्यंत्र करूछि पाकिस्तान। ए पर्यंत चाइना पाकिस्तान सेई चिंता रे अछंती जे एटा युक्तराष्ट्र अमेरिका रो कूटनैतिकय राजनैतिकय फेलियर किंतु से माने भावुनांती जे काली तालिबान जदि पूरा आतंकवादी हे गला धर्मगत आतंकवादी हे गला से भारत पई जतिकी विपद करि परिबे सेतिकी विपद करि परिबे ईरान पई ताजिकिस्तान पई चाइना पई पाकिस्तान पई। तेबे एनएसए रो मुख्य अजित डोभाल कर नेतृत्व रे नवंबर 10 तारिख रे आयोजित होइतिबा सुरक्षा सम्मेलन रे ईरान रूस समेत उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान एवं कर्गिस्तान रो एनएसए एई बैठक रे अंश ग्रहण करथिले। सुरक्षा अधिकारी को एई बैठक रे अफगानिस्तान रे बढ़ुतिबा आतंकवाद उग्रवाद एवं ड्रग्स अपव्यवहार उपरे आलोचना हेबा सहित अफगान लोकंकर जीवन उपरे बढ़ी चलतिबा संकट को नै आलोचना करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नुआ वर्ष रे नुआ पुलिस डीजी पाइप ओडिसा अभयक अवसर परे नुआ वर्षरो कार्यभार ग्रहण करिवे राज्यर नुआ पुलिस डीजी। डिसेंबर 31 तारिख रे अवसर ग्रहण करिवे राज्यर पुलिस डीजी अभय। एने आज गृह विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी कर सूचना दी जा 986 ब्याच्र आईपीएस अधिकारी 2019 डिसेंबर 9 तारीख में ओडिशा डीजीपी भाव दायित्व ग्रहण करते पूर्व से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल न्याशनाल पुलिस एकाडेमी निर्देशक थे। पुलिस डीजी भाव दायित्व नापर ओडिशा आंध्र सीमार देखाई नक्सल समस्या उपर कड़ा पदक्षेप नहीं मलकानगि जिलार स्वाभिमान अंचल को बहुबार गस्त कर नक्सल दमन ने गुप्त बैठक कर नवीन जगन आलोचना दिनक कोरापुट में सर्वदलीय बैठक सीमा सुरक्षा मुख्य प्रसंग एपटे कोलाकोली सेपटे पिठीपटु छुरी कोटिया पुणी आंध्र ग्रामसभा पट्टा बंटन कड़ बार्ता देवा चाहिए आंध्र कोटिया ओडिशार जमी उपर आंध्र कब्जा उद्यम जारी रही। पटे कोलाकोली सेपटे पिठीपटु छुरी
ପଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଗ୍ରାମସଭା। କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନ୍ଧ୍ର? ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ଜଗନ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କବ୍ଜା ଉଦ୍ୟମ। ନବୀନ ଜଗନ ଆଲୋଚନାର ଦିନକ ପରେ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ, ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। କୋଟିଆ ଗାଁ ସମୂହ, ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ, ଜାନଭାଟି ରିଜର୍ଭୟର, ପୋଲାଭରମ, ବାହୁଡ଼ା ନଦୀରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିନରେ ହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ ହୋଇ ଆମେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ରଖିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଏ ପୋଲାଭରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଲଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆମର କୋଟିଆ ପନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏହି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ସିଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଭିତରେ PIITDA ସାଲୁର, ଆନ୍ଧ୍ରାର PIITDA ଏବଂ BDO ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁଟା 2005ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଟା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କାଲି ପଟା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରମାନେ କୋଟିଆରେ ଜମିପଟା ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସର କୋଟିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି 2022 ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ଝଞ୍ଜାବତୀ, ନାଗାବଳୀ ଭଳି ସବୁ ନଦୀ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଏଜେଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତି ସଠିକ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଲି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା ତାହା ତ ନେଇଗଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏ ନିର୍ବାଚନ କୋଟିଆରେ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ କୋଟିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କୋଟିଆ ନାହିଁ ଯିବୁନୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧାର ଚାଲ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏବେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଗ୍ରାମସଭା, କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ଫଗୁଣ ସେନେରୀ ସମେତ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାଇଛି ହୋଡ଼ି, କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରର ITDA ଅଧିକାରୀ କୁର୍ମାନାଥ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, ଫାଟୁ ସିନେରୀ, ମାଡ଼କର ତଳସେମ୍ବି ଓ ଉପରସେମ୍ବି ଗ୍ରାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଏହା ଉପରେ ମିଠା କଥା ଭିତରେ ପିଠିପଟୁ ଛୁରାମାଡ଼ ସଦୃଶ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଟିଆରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଶାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁଭିଲା ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟାମାଡ଼ ଆଉ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ।
विरोधी दावी गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार करने सेपटे राज्य सरकार को निरापत्ता आ मुखिया दागी मंत्री को कोड़ाइबा घटना को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आग को जोरदार आंदोलन करने को चेतावनी देजेपी चेतावनी देता बेले नवीन बास घेरी एबीवीपी ममिता मेहर हत्याकांड प्रसंग को नहीं सरकार को पाई बढ़िपे लगला अड़ुआ राज्य सारा प्रतिवाद दिल्ली में पहुंचला प्रतिवाद नवीन निवास सम्मुखें एबीवीपी हल्ला बोल मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को इस्तफा दावी पुलिस सह छात्र संगठन धस्ताधस्ती शताधिक छात्र प्रतिवाद सेपटे युव कंग्रेस दिल्ली में ओडिशा निवास आगे धारणा जंतर मंतर आंदोलन सजबाज आपटे राज्य में जारी रही मंत्री को अंडामाण मंत्री को कला पता प्रदर्शन विरोधी कोपरू बर्ती ना मुखिया ए दृश्य होटक्र आज मुख्यमंत्री कटक गस्त को विरोध कर विक्षोभ प्रदर्शन करजेपी कार्यकर्ता आखा कला पता बदनाम मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार दावी में सामाजिक बासंद घोषणा करजेपी आजेपी कर्मी आंदोलन पुलिस को नाकेदम होपरी बांकी बीजेपी पक्ष मुख्यमंत्री गस्त को विरोध कर एक शोभायात्राऊर निजर सहयोगी मंत्री मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक को कला पता प्रदर्शन निजर प्रशंसा डिंडीम पिटा जा केवल छलना मात्र कपटिया मुख्यमंत्री तेणु यह मुख्यमंत्री को आज विरोध करने को भारतीय जनता पार्टी सामाजिक बासंद करने को जो निष्पत्ति नहीं सारा ओडिशार मुख्यमंत्री दागी मंत्री जो जो जगह को जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से विरोध करेंगे सरकार जो अहंकार अच्छा गोटे कथा स्पष्ट विजु जनता दल सरकार नवीन सरकार नारी विरोधी सरकार आश्य हो कलाहांडी क्रीड़ा मंत्री तुषार कांति बेहरा को कला पता प्रदर्शन सह अंडामाड़ कांग्रेस जो पर्यंत मुख्यमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार करना से जाए सबुठी एपरी प्रतिवाद कांग्रेस चेतावनी देती सेबे बरगढ़ में एक सांबादिक सम्मेलन कर राज्य सरकार को उपरे बर्षि राज्य बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पुरंदेश्वरी कहते परिठारु ममिता जाए सबु घटन सरकार मंत्री को घंट घोड़ाई सरकारी कार्यक्रम में दिव्य शंकर को बसाई मुखिया अभियुक्त को सुरक्षा देखते राज्य में भ्रष्टाचारी नेता सरकार सुरक्षा देखते महिला हिंसार ओडिशा एक नंबर सेपटे सारा राज्य में प्रतिवाद चलता बेले सरकार जपरी जड़े दागी मंत्री और बदनाम मंत्री को गोलैले आगक जोरदार आंदोलन होजेपी हमको यही पूछना है यहाँ की प्रशासन से क्या आप संरक्षण दे रहे हैं जो यहाँ के हत्यारे हैं यहाँ के जो कल्प्रित है यहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता है आप उनको संरक्षण दे रहे हैं क्या 1990 इलेक्शन पर कांग्रेस जिन दशा है नवीन बाबू वर्तमान भी आखि खुलुन तांकर भी दशा सम्मान हबार लगी जाऊछे 2024 निर्वाचन रे बीजेडी शासन रे महिला विपद रे तेणु भारतीय जनता पार्टी ई आंदोलन को आहुरी तीव्रतर करिवो आहुरी जोर रे आंदोलन करिवो जेपर्यंत सरकार मानि नांती सेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी आंदोलन रो ओरिबो नाही ए रास्ता रे प्रतिवाद ओंडामाड़ पुष्प पुतलिका दाह आ वेही सब भितरे आसंता 12 तारीख ओडिसा बंद डाकरा देछि कांग्रेस ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज भारतर निजस्व कोविड टीका कोवैक्सिन को स्वीकृति देला हांगकांग एणिकी हांगकांग यात्रा करने को चाहूबा भारतीय माने कोवैक्सिन टीका नहीं मध्य से ही देश को यात्रा करें चीन स्वतंत्र शासनाधीन अंचल भाव में परिचित हांगकांग कोवैक्सिन को स्वीकृति देवा भारतीय टीका एक कृतित्व बोली कहुपे अंडरवर्ल्ड सह एनसीपी नेता नवाब मल्लिक लिंक पदाक आसवा पर अड़ुआ महाराष्ट्र सरकार नवाब मल्लिक 1993 मुंबई बम ब्लास्ट अभियुक्त संपर्क नहीं आज एक सांबादिक सम्मेलन में प्रमाण रखी पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस यापर एवं महाराष्ट्र राजनीति में सृष्टि हटचमट नवाब मल्लिक इस्तफा दावी कर राज्य युव बीजेपी और महिला मोर्चा
ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଇଛି। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा या उसको मंत्रिमंडल से बर्तरफ नहीं किया जाएगा, तब तक महाराष्ट्र की 10 करोड़ जनता जो 1992 में बम विस्फोट हुआ था, उसके जिस तरह से चिथड़े 250 लोगों के उड़े थे, उन चिथड़े उड़ाने वालों को, आतंकवादियों से मिलने वालों को हम कभी माफ नहीं करेंगे, आंदोलन जरूर रहेगा। देश में बढ़ुची विमान यात्री संख्या गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष उत्सव ऋतु में बदली स्थिति यात्री संख्या 67% वृद्धि घटी। महामारी जनित मंदावस्था सत्वे सुधुरी बेसामरिक विमान सेवा क्षेत्र ए विषय तुलनात्मक तथ्य प्रकाश कर रेटिंग एजेंसी क्रा। देश में बढ़ुची विमान यात्री संख्या गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष उत्सव ऋतु में बदली स्थिति यात्री संख्या 67% वृद्धि। महामारी जनित मांदावस्था सत्वे सुधुरुछि बेसामरिक विमान सेवा क्षेत्र रेटिंग एजेंसी इक्रार सूचना। कोविड महामारी जोगु मांदा अवस्था दे गति करुथिबा भारतर बेसामरिक विमान सेवा एबे पुणि फेरिछि ट्रैक को। पूर्व वर्ष गुडिक तुलना रे वृद्धि पाइछि घरोई यात्रीक संख्या, ए विषय रे तुलनात्मक तथ्य प्रकाश करिछि रेटिंग एजेंसी इक्रा। सूचना अनुसार कोविड रो द्वितीय लहर परिस्थिति रे सामान्य सुधार आसीबा परे बेसामरिक विमान सेवा क्षेत्र रे आसीछि आखि दृश्य सुधार। विशेष करी उत्सव ऋतु रे यात्रीक संख्या वृद्धि पाइछि। चलित वर्ष अक्टोबर मास रे 88 लाख रु अधिक यात्री विमान रे देशर विभिन्न स्थान को यात्रा करितिबार जाना पडिछि, जहां गत वर्ष अक्टोबर मास तुलना रे 67% अधिक। 2020 अक्टोबर रे मात्र 52,71,000 यात्री विमान रे यात्रा करथिले। रेटिंग एजेंसी इक्रा द्वारा जारी होइतिबा रिपोर्ट अनुसार 2021 अक्टोबर रे 72,000 थर विमान चलाचल करिछि, जहां पूर्व वर्ष तुलना रे 46% अधिक। 2020 रे अक्टोबर रे देश रे विमान उड़ाण संख्या थिला 49,150। चलित वर्ष अक्टोबर रे दैनिक 24,000 थर यात्रीवाही विमान उड़ाण होउतिबा रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। प्रति विमान रे हाराहारी 122 जन यात्री यात्रा करुछंती। एपरिकि गत सेप्टेम्बर रे विमान पिछा यात्री संख्या मात्र 117 जन थिबा बेले अक्टोबर रे सेतिरे अनेक वृद्धि घटिछि। तेबे वर्तमान विमान ईंधन रो मूल्य आंतरजातिक बजार रे अधिक थिबारु भारत उपरे मध्य ताहार प्रभाव पड़िछि। आग को ईंधन मूल्य रे आहुरी वृद्धि घटिबार आशंका रहिछि। एहा सत्वे भी देशरे विमान यात्रीक संख्या आखि दृश्य भावरे वृद्धि पाइछि एवं अनेक साधारण लोक मध्य समय संचय पई विमान यात्रा को गुरुत्व देउछंती। भारतीय विमान शिल्प पई एहा एक शुभ संकेत एवं आग को फल समय आसुछि बोली कुआ जायछि। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। देशरे झोट चाष को मिलिब प्रोत्साहन। चीनी एवं अन्य खाद्य द्रव्य को झोट उत्पाद द्वारा पैकेजिंग मिली केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन। एथिपाई पूर्वर थिबा नियम पुणी 2021-22 बलवत्तर रखा जाइछि। झोट मिल गुड़ी को मध्य प्रोत्साहन दिया व्यवस्था रही, जहाँ फल काम करुथिबा श्रमिक मध्य उपकृत हो पारे। कैबिनेट निष्पत्ति बाबदरे सूचना देछन्ते केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर। जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जूट का जो ईयर गिना जाता है वो जुलाई से जून तक का होता है, तो इसमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। समय से बुलेटिन को इधर रखो। नमस्कार।